हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन मैं हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइपिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा होलो टाइप आइसो टाइप पैरा टाइप लेक्टोटाइप सिन टाइप इन सब के बारे में तो आज मैं आपको शो करूँगा कि ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है कैसे आप जानेंगे तो सबसे पहले आ, हमारे हाथ में ये जो है तो, टैग बुक है Uh, अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं टैग बुक के बारे में तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी टैग बुक में एक्चुअली रहता क्या है यहाँ पे सीरियल नंबर होता है और यही सीरियल नंबर यहाँ पे कॉपी में रहता है सीरियल नंबर जो होता है अलग अलग पेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे आप यहाँ पर वन वन देख रहे होंगे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट uh, पेजेस में टू uh, टू करके रहता है और थ्री थ्री ऐसा करके रहता है जैसे आपको नॉर्मल कोई रसीद मिलती है आप काटते हैं यहाँ पे डेट होता है आप किस जैसे प्लांट में ये यूज़ होता है प्लांट कलेक्शन में तो यहाँ प्लांट का डेट नेम ऑफ द प्लांट अगर आपको कलेक्शन के टाइम पे ही पता है तो फैमिली लोकल नेम हैबिट लोकेलेलिटी नोट्स कुछ भी हो अब आपको करना क्या होता है इसका यूज़ कैसे करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही धागा जैसे बांधा जाता है वो बताया और यहाँ से फाड़ने का रहता है ये जब आप प्लांट कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप टैग करेंगे तो मैं आपको भी हरबेरियम बनाना सिखाता हूँ उसमें इस टैग का रोल भी मैं आपको बताऊँगा प्लांट कलेक्शन के लिए जैसे प्लांट आप कहीं पे कलेक्ट करने जाते हैं तो प्लांट बहुत दूर तक फैला रहता है तो अलग अलग लोकेशन से आपको लेना है जैसे ये हमारा हुआ फर्स्ट लोकेशन यहाँ से मैंने पारथीनियम कलेक्ट किया ये मान लीजिए एक ट्विग मैंने ले लिया और फिर यही ये एक ही पॉपुलेशन है जहाँ जितना भी यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं सब एक ही पॉपुलेशन है अभी मैं चलता हूँ यहाँ से मैंने ले लिया दूसरा ट्विक ये मान लीजिए मैंने एक लोकेशन से दो ट्विक ले लिया अब चलते हैं हम दूसरे लोकेशन सबसे पहले हम जो है इसका टैगिंग कर लेते हैं जैसे अभी हमने एक जगह से ये जो पारथीनियम का प्लांट कलेक्ट किया है उसको हम टैग करेंगे टैग के लिए ये जो आपका है क्योंकि आप फर्स्ट लोकेशन से कर रहे हैं तो यहाँ से आप एक टैग निकालिए जैसे कलेक्शन नंबर होता है ये अलग अलग हो सकता है अभी आपको केवल दिखाने के लिए फर्स्ट से स्टार्ट है तो ये टैगिंग है टैग के लिए हम ऐसे प्लांट को पकड़ेंगे और ये जो है यहाँ पे इसको तो ये देखिए इसमें हो गया टैग अब ये टैगिंग बताता है कि हमारा ये फर्स्ट लोकेशन से है और क्योंकि हमने एक ही पॉपुलेशन से और भी प्लांट कलेक्ट किए हैं तो हमें यही टैग जो है इस पॉपुलेशन में भी और ए, क्योंकि आप कहीं से प्लांट कलेक्ट करते हैं तो एक ही कलेक्ट करेंगे नहीं तो क्या करेंगे एक ही जगह से आ, दो तीन प्लांट कलेक्ट करते हैं तो क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर में प्लांट लेना होता है डिस्क्रिप्शन वगैरह करने के लिए तो हम इस पर भी जो है टैगिंग कर देंगे अभी एक लोकेशन के हो गए एक लोकेशन का दो प्लांट मतलब ये बता रहा है कि सेम ही पॉपुलेशन से है इस पर कलेक्शन नंबर सेम है अब इसके फीचर्स जो हैं हम इस पर नोट करेंगे हमारे इस पर जो भी आपका रहेगा यहाँ पे जैसे डेट है आज का कितना मान लीजिए ट्वेंटी सेवन तो ये आपका डेट हुआ प्लांट का नाम अगर आपको फील्ड में ही पता है ठीक है नहीं तो बहुत प्लांट नाम प्लांट का नाम नहीं पता होता है फैमिली नहीं पता होती है अन आइडेंटिफाइड जब आप कहीं से वो लेते हैं लोकल नेम जब आपको पता हैबिट, हाइट ये सब चीज़ें नोट कर लेते हैं नोट्स इसका फ्लावर कलर वगैरह और जो भी हो गया तो ये एक जगह से हो गया अब हम यही चीज़ इसको हम रख लेंगे अपने बैग में और अब चलेंगे हम दूसरे पॉपुलेशन में मतलब दूर कहीं प्लांट पर जहाँ पर पारथीनियम होगा वो भी हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे क्योंकि एक जगह के बेसिस पे एक जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है तो एक ही जगह से प्लांट कलेक्ट नहीं करना चाहिए और भी जगह का से हमें प्लांट कलेक्ट करना चाहिए तो अब अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पे अब बारी है कि जो हमने सेकेंड लोकेशन से प्लांट लिया उनका टैगिंग का तो अभी देखिए ये जो एक पॉपुलेशन था उसका हम कर चुके हैं अब जब हम दूसरे पॉपुलेशन में जाते हैं तो हम दूसरा टैग लेंगे ठीक है अब एक पॉपुलेशन से आप जितने भी प्लांट लेंगे उस पर सेम टैग नंबर रहेगा तो वो दिखाएगा हाँ आपने प्लांट एक ही जगह से लिया है डेट भी आप डाल दीजिएगा ये प्लांट आप दूसरे दिन भी कलेक्ट कर सकते हैं जब आप दूसरा दिन पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा ये दूसरे पॉपुलेशन के लिए हम दूसरा टैग निकालेंगे अब जैसे हमने पहला वाला टैगिंग किया अब ऐसे दूसरा टैगिंग करेंगे वहाँ पे ये देखिए इसका टैगिंग हो गया अभी जैसे पहला वाला किया था सेम ऐसे ही हम ये वाला भी टैगिंग कर लेंगे ये हो गया टैग नंबर इस पर क्योंकि हमने यहाँ यहीं से ही दूसरा वाला भी प्लांट लिया है इसीलिए इस पर भी हम सेम टैग नंबर लगाएंगे ये टैगिंग करने का तरीका है इससे आप भूलेंगे नहीं कि बहुत सारे प्लांट कलेक्ट करने होते हैं तब तो इस पे ये हो जाता है क्योंकि आप मिला सकते हैं आप जब अपने लैब में या कहीं पे लेके जाते हैं इस प्लांट को जब आप उठाएंगे हाँ इस पे दूसरा दूसरा नंबर लिखा है तब तो आप समझ जाएंगे इस पेज की बात हो रही है बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इस पेज पर पे लिख सकते हैं ओके तो अब हम चलेंगे तीसरे लोकेशन से प्लांट कलेक्ट करने तो अभी हमने ये तीसरे लोकेशन से प्लांट लाया है ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड का किए कहीं और पॉपुलेशन से आप अलग जगह से और आप कलेक्ट कर लेंगे ये प्लांट क्योंकि इस पर बेस्ड होता है अब ये हर्बेरियम हम इसका बनाएंगे और हर्बेरियम बनाने के बाद इसको डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो आपके पास जितने ज़्यादा प्लांट रहेंगे उतना अच्छा आपका डिस्क्रिप्शन होता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन कभी भी एक प्लांट पे बेस्ड नहीं होता है अब ये हो गया आपका तीन लोकेशन से आपने प्लांट ले लिया है अब हमारे पास तीन लोकेशन से प्लांट हो गए अब मैं आपको हरबेरियम बनाना बताऊंगा तो अब हमारे पास तीनों जो है तीन लोकेलिटी के प्लांट आ गए इसपे आप देखेंगे टैग नंबर वन है ये दो प्लांट पे इन पे टैग नंबर टू है इस पे है तो कुल मिला हमारे पास दो दो चार दो छः प्लांट है अब जब हम फील्ड से प्लांट कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं हर्बेरियम शीट हर्बेरियम शीट अब ये आपको मैं डाइट दिखाता हूँ हर्बेरियम शीट में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये देखिए जो टैग नंबर रहेगा उसी के साथ आप जो है इसको हर्बेरियम शीट में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसे ही आपके पास एक पॉपुलेशन से दो सेम टैग नंबर वाले रहेंगे जैसे जीरो 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 वन और ऐसे ही दूसरे पॉपुलेशन पौ से जो हमने दो प्लांट कलेक्ट किया है वो भी आपके पास दो रहेंगे ज़ीरो 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 टू वाले ठीक है और आपके पास दो और प्लांट रहेंगे जो हमने तीसरे लोकेशन से लिया है ज़ीरो 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 थ्री वाले uh, दो प्लांट ठीक है तो ये हर्बेरियम शीट है आप नीचे टैग लगाते हैं पार्थेनियम जैसे इसका नाम अभी आइडेंटिफाई मान लीजिए अभी पार्थेनियम इस फोरस मैंने यहाँ पर लिखा है मान लीजिए आपने स्टडी किया और आपको इसका नाम ही नहीं पता चला ठीक है मान लीजिए अभी आपको नहीं पता है कि ये पार्थेनियम है आपने पूरा लिटरेचर स्टडी किया आपको कहीं पे मिला ही नहीं पूरा प, प, करने के बाद आपको ये पता चला डिस्क्रिप्शन वगैरह कि ये जो प्लांट है आप ये नया प्लांट है इंडिया के लिए ठीक है या इंडिया के लिए क्या पूरे वर्ल्ड में ये प्लांट नहीं पाया जाता है तब आप क्या करेंगे आपको करना क्या होगा जब आपको ऐसी कोई नई स्पीशीज़ मिलती है तब आप उसको पब्लिश करते हैं पेपर में ठीक है और उसका आप खुद से कोई नया नाम रखते हैं कि ये मैंने कोई स्पीसीज़ डिस्कवर की है तब मैं क्या करूँगा इसका खुद से नाम रखता हूँ और एक पेपर पब्लिक पप्र, पेपर पब्लिश करना ज़रूरी होता है तो वहाँ पे जो होता है अब ये डिजिग्नेट होता है कि होलो टाइप आसो टाइप ये सारे हैं क्या तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूँ अब देखिए हाँ जैसे आपके पास कितने हैं ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन के दो प्लांट हो गए ज़ीरो 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 टू ज़ीरो 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 टू के दो प्लांट हो गए और जीरो ज़ीरो जीरो थ्री ज़ीरो जीरो ज़ीरो थ्री के दो प्लांट हो गए ठीक है अब आपको क्या करना है ये जो आपने स्पेसमन इस है इसका आपने सारा स्टडी किया कैरेक्टर फीचर वगैरह जब आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं तब आपको आपने कोई आप नया नाम रखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने ही इसका नया नाम रखा है बाथिनियम हिस्सोरोस पहली बार नया स्पेसीज है ये तब मुझे इन सारे टैग नंबर में से एक क्योंकि ये जो टैग नंबर है ये आपको बताता है कि ये कोई प्लांट है कोई स्पेसमैन है तो ये फिजिकल नाम जो होता है ये आपको बताना पड़ेगा कोई होलो टाइप आपको चूज करना पड़ेगा इसमें से होलो टाइप का मतलब है जो स्पेसमैन आपका बेस्ट जो आप नया नाम रख रहे हैं उसमें सारे कैरेक्टर जैसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कुछ है जिसमे फ्लावरिंग ही है तो मैंने मान लीजिए इसको जीरो 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 वन वाले को मैं कहूँगा कि हाँ ये मेरा है होलो टाइप होलो टाइप का मतलब जो एक आथर जैसे मैं नया स्पीसीज़ पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा स्पीसीज़ है ये ये जो टैग नंबर वाला प्लांट है मैंने लिया है इस पे बेस्ड इसका नाम रख रहा हूँ क्योंकि आपको देना पड़ता है कि आप कोई फिजिकल आपको कोई स्पेसमेंट देना पड़ेगा तो ये मेरा होगा होलो टाइप अब देखिए ये आपका होलो टाइप हो गया जो आथर स्पीसीज़ पब्लिश करता है वो बताता है कि उसका जो नाम उसने नया रखा है वो इस स्पेसमेंट पे बेस्ड है तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक फिजिकल आपके आप पास है अब सेम नंबर वाला जो होता है दूसरा वाला जिसको होलो टाइप नहीं बताया होता है वो क्या होता है होलो टाइप का डुप्लीकेट हो जाता है क्योंकि सेम ही नंबर का है सेम ही पॉपुलेशन से है सेम टैग नंबर है तो एक ने आपने एक होलो टाइप डिजिग्नेट किया दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा आइसो टाइप हो जाएगा तो ये है आपका होलो टाइप और ये हो गया आपका आइसो टाइप सेम टैग नंबर वाला अब बाकी जो आपने प्लांट कलेक्ट किए थे उस समय ठीक वो आपके हो जाएंगे सारे पैरा टाइप हो जाएंगे तो ये है आपका होलो टाइप का कॉन्सेप्ट ये है आपका आइसो टाइप का कॉन्सेप्ट और ये है आपका पैरा टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया अब दो चीजें और आती है आपका एक सिन टाइप लेक्टो टाइप और आपका एक नियो टाइप आता है और एक आपका आता है ई टाइप इतने सारी चीज़ें हैं देखिए सिन टाइप कब हम बोलते हैं कभी कभी क्या होता है होलो टाइप जो आपका स्पेसमन होता है उसी में सारे कैरेक्टर होते हैं कभी कभी क्या पड़ क्या करना होता है आपको ये जो सीट है मान लीजिए आपने दो के जगह तीन चार कलेक्ट किया है सेम नंबर का तो आपको एक ही नहीं जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है उसके मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं तो एक शीट में आपका मेल प्लांट रहता है एक शीट में आपका फीमेल प्लांट रहता है तो जो जब आप दो ऐसे करते हैं दो टाइप सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे को सिन टाइप हम बोलते हैं सिन टाइप का मतलब दो दो स्पेस स्पेसमैन आपका वो स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं ठीक है थेके? तो वो हो गया आपका सिन टाइप सिन टाइप हो गया आपका या आप ऐसा कर लीजिए कोई आपने ट्री कलेक्ट किया आ, उसका फ्रूटिंग और ये सारी कंडीशन जो है बाद में आती है तो आपको उसके लिए दो दो स्पेसम रखना पड़ेगा वो आपका सिन टाइप हो गया ठीक तो ये लेक्टो टाइप कब हम बोलते हैं लेक्टो टाइप जब होता है जैसे किसी ने आ, 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 आपका ये प्लांट पब्लिश किया लेकिन उसने होलो टाइप जो है डिजिग्नेट नहीं किया मतलब होलो टाइप उसने नहीं बताया था अब ऐसे तो में हम क्या करेंगे जो भी जो ऑथर ने पब्लिश किया था अपना स्पीसीज उसमें से जो भी उन्होंने तो साइट किए हैं उसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है टाइप है उसका आइसो टाइप है या पैरा टाइप जो भी बचा है हम उसमें से आइसोटाइप हो गया तो आइसोटाइप में से लेके हम उसको एज अ टाइप डिजिग्नेट करते हैं और इसी को हम लेक्टोटाइपिफिकेशन टाइपिफिकेशन बोलते हैं पर वो होलो टाइप नहीं कहलाता वो लेक्टोटाइप ही कहलाता है न्यू टाइप का बोलते हैं जब ना तो होलो टाइप बचा हो ना आइसो टाइप बचा हो ना पैरा टाइप बचा हो ना सिन टाइप बचा हो जो जिस जिस आथर इस जिसने जिस ऑथर ने स्पीसीज पब्लिश किया था इसमें से ये सारी चीज़ें ही नहीं बची है तब आपका आता है नियो टाइप अब ई पी टाइप का होता है जब कोई ऑथर कोई नया स्पीसीज पब्लिश प्रे करता है तो ये सब चीज़ बना है होलो टाइप आइसो टाइप पैरा टाइप एक्सेट्रा सब कुछ तो है लेकिन बाद में पता चलता है कि जो आप स्पेसमिन यहाँ पर लगाया हुआ है वो एक्चुअली वो स्पेसमेंट है ही नहीं जिसपे उसने डिस्क्रिप्शन किया है मतलब उसने नया स्पेसीज तो बनाया है पर जो प्लांट था वो क्या कर रहा है एम्बिगुअस है मतलब कन्फ्यूज़न है कि ये इस प्लांट वही है कि नहीं है तब ऐसे में आपको एक नया एपी टाइप देना पड़ता है तो ये था सारा कॉन्सेप्ट आइसो टाइप पैरा टाइप सिंट टाइप टाइप, टाइप न्यू टाइप और इपी टाइप का होप कि आपको समझ में आया होगा